بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ حمید المجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئاً متصدياً من خشية الله تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی مشکل کشائی یا کتائی تنہائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے ہے جس خالق و مالک نے اس پوری کائنات دے نظام نو خدا پیدا فرمایا ہے زمین و آسمان دا بنانے والا بھی اکیلا آسمان تے سورج چند تارے روشن کرنے والا بھی اکیلا ندی نالے دریا سمندر چلانے والا بھی او اکیلا اور نفع نقصان دا مالک زندگی موت دا مالک اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات ہے لا تعداد اور بے شمار درود و سلام
इमाम अल-अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते ग्रामी ते साहेबो और अजीज साथियो हालात दे पेशे नजर तुहानू भी इस बात का इलम है कि अज पूरी दुनिया के मुसलमान जिन्हों की आबादी तकरीबन 2 अरब के करीब है वे अज सारे मुसलमानों के दिल जख्मी ने ते दुख और गम का इजहार कर रहे ने। इस बात के उपर के स्वीडन के अंदर चंद दिन पहले अल्लाह की इस आखिरी किताब मुनज़्ज़ल मिनल्लाह किताब अल्लाह दे इस कुरान नू हकूमती सतह के उपर जलाया गया। और इत्थे ही नहीं इस तो पहले नार्वे दे अंदर और फिर चंद दिन पहले यूरोपी ममालक दे अंदर कुराने पाक दी बेहुरमती कीती गई। ए कुराने पाक बड़ी अजमत वाली बड़ी शान वाली बड़ी मुकामो मर्तबे वाली किताब है वे। इस दी फजीलत दी अंदर यही बात काफी ऐसी कि कुरान नू उतारन वाला पूरी कायनात दा मालिक और खालिक है वे। कुराने पाक अल्लाह दी ला रैब किताब है वे जिदे अंदर कोई शक नहीं। और फिर ये किताब बड़ी अजमत वाली बड़ी शान वाली बड़े मुकाम वाली किताब जिन्हों जालिमा ने इस वजह तो जलाया कि मुसलमाना नू तकलीफ दिती जाए और मुसलमाना दा ईमान चेक किया जाए क्या हजे भी जिंदा ने या इन्हां दे जमीर मर गए ने। हुरमते कुरान दे हवाले दे नाल मैं ये बात करांगा कि आज साडे मुसलमान ममालक दे हुक्मराना दा ये फर्ज बनता है कि अपने अपने मुलक दे अंदरों इन्हां मुलकां दे सफीरां नूं निकाल दिता जाए इन्हां दे नाल तजारती मुआमलात खत्म कीते जाल। इन्हां नूं पता लगना चाहिए कि कुरान पाक की बेहुरमती करके कुरान पाक की बेहुरमती करके मुसलमानां दे दिल जख्मी कर दिते ने। लेकिन अगर ये सारा कुफर भी इकट्ठा हो जाए अल्लाह सुलजलाल की कसमे कुरान नू खत्म नहीं कर सकते। कुरान ऐसी किताब है वे कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद आप उठाया। आइए जरा रब दा कुरान सुनिए। अल्लाह फरमांदे ने मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इलान फरमा दियो इन्ना नहनु नज़्ज़ल ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ूल। इस कुरान नु नाज़ल भी असी कीता ए दिया हिफाजता भी अल्लाह ने अपने जिम्मे उठा लिया ने। ए आज दी बात नहीं ना इस तो पहले भी अंग्रेज ने कुरान नु खत्म करना चाहिया
अंग्रेज ने ना सारे ही कुरान कट्ठे करने शुरू कर दिते, कुरान जमा करने शुरू कर दिते। लेकिन होया की है, एक दिन अंग्रेज इंज मस्जिद के करीब तो गुजर रहा, ते मस्जिद के करीब तो गुजरिया एक नबीना बच्चा बैठा, हाफिज बच्चा नबीना बच्चा है, अखां भी कोई नहीं ना, लेकिन रब का कुरान पढ़ी जा रहा है, कुरान दियां तिलावतां कीती जा रहे है। अंग्रेज नू भी पता लग गया, ओए जितने कुरान कट्ठे कर लिए, लेकिन मुसलमानां दे बच्चियां विचों ना कुरान नू नहीं खत्म कर सकदे, इन्हां दे सीनियां दे अंदर ना रब दा कुरान मौजूद है। कुरान खत्म नहीं हो सकदा, कुरान नहीं बदलिया जा सकदा। अल्लाह दा कुरान कह रहे है, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कुरान किताब अल्लाह दी है, कुरान किताब रब रहमान दी है, कुरान किताब रब वल्लो उतारी गई है। और कुरान दा उतारन वाला सारी कायनात दा खालक ते मालक अल्लाह, कुरान नाजल करन वाला, कुरान नाजल करन वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और कुरान नू लेके आन वाला सारी कायनात दे, ओ लोगो जरा तवज्जो फरमाया जाए, पूरे फरिश्ते आसमान दे जितने ने, सारे फरिश्तियां दा सरदार जनाबे जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नाम इस कुरान नू लेके जमीन ते आए ने, जिस हस्ती ते नाज़िल होया ओ सारे अंबिया दा सरदार है, सारे नबियां तो आला ते अफजल है, वे आखरी नबी आया मेरे तेरे पाक पैगंबर ते नाज़िल होया। और कुरान जिस महीने विच नाज़िल होया ओ महीना सारे महीने अल्लाह ते अफजल महीना, शाहरु रमजान अल्लज़ीब उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। और जिस रात दे अंदर नाज़िल होया और रात सारी रातां दे नालो अफजल रात है, वे इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ने नू लैलतुल कदर अंदर नाजल फरमाया। आइए लोगों, 1400 साल गुजर गए, कुरान उसी तरह महफूज है, वे कुरान दी जबर जेर अंदर फर्क नहीं आ सकया, कुरान नू बदलिया नहीं जा सकया, कुरान उसी तरह ही महफूज है, वे हालांकि कुरान तो पहले भी ना तो रात भी आई है, इंजील भी अल्लाह दी किताब आई है, ज़बूर भी अल्लाह दी किताब आई है। लेकिन जिवें जिवें के वक्त बदलता गया, नबी दुनिया तो जांदे गए, इन्हां दियां किताबां भी नाल नाल बदल दियां गईयां, तो रात अंदर भी तब्दीली आ गई, ज़बूर अंदर भी तब्दीली आ गई, इंजील अंदर भी तब्दीली आ गई। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है वे जिदे अंदर कोई शक नहीं, कोई शोभा नहीं किसे बात दा, ना एदी जेर बदली जा सकी है, ना एदी जबर बदली जा सकी है, ना एदी शब्द मत दे अंदर फर्क आया। क्यों नहीं फर्क आया? अल्लाह दा कुरान इलाल फरमा रहे है, इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून।
कुरान इतनी आला किताब है और कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली है, इनू नहीं वो खत्म किया जा सकता। अंग्रेज की पुल गैर मुसलमान की पुल है वे, असी कुरान खत्म कर देंगे ना ना ना, कुरान कदे नहीं खत्म हो सकता। आ ना मैं तेनू अपने मदार संदर बखावा, ओ दस दस साल दे बच्चे कुरान जुबानी याद करी फिर देने, और लोग अखा तो नबी ने बच्चे कुरान सारा याद कीती फिर देने। आ ना जरा गौर कर, कुरान मेरे भाई कुरान बड़ी आला किताब है वे, और दुनिया के अंदर जितनी तालीम दिया किताबा ने उन्हें सारिया किताबा दे विचों अफजल तालीम है ते कुरान दी है वे। ओए कुरान ओ किताब है वे, अगर मैथ मिलेगी ते कुरान अंदरों मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगी ते कुरान अंदरों मिलेगी, और लोगों केमिस्ट्री मिलेगी कुरान अंदरों मिलेगी। हाँ हाँ, इस कुरान के अंदर तेनू हिकमत भी मिलेगी, इस कुरान के अंदर तेनू डॉक्टरी भी मिलेगी। ये कुरान एक मुकम्मल किताब है वे, ये कुरान एक तालीम ऐसी किताब है वे, इस जैसी किताब पूरी कायनात के अंदर और कोई किताब मौजूद ही नहीं है वे। इतनी आला किताब है वे, हर स्कूल दी किताब, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी दी किताब, आए रोज हर जनाब क्लास दी अंदर मजमून बदल जांदा है, इहदे जनाब सब्जेक्ट तब्दील हो जांदे ने, इहदे अंदर तब्दीलियां हो जांदियां ने, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है वे इहदे अंदर कोई अज तक रद्दो बदल नहीं हो सकिया। क्यों? अल्लाह दा कुरान इस बात दा ऐलान कर रहे है। अल्लाह फरमांदे ने ज़ालिकल किताब ला रईब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन। आला मेरे भाई, कुरान बड़ी आला किताब है, कुरान तालीम बड़ी आला। आला जरा गौर कर, मैनू याद आए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे पैगंबर दा सहाबी है ते मेरे आका दा दीवाना ते परवाना है, ते ऐलान की करदा है, सुने आजे बड़े प्यारी हदीस बयान कर रहे हैं। आंदा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। ओ दुनिया कायनात दे लोगों, मेरे आका ले सलाम ले फरमाया, सारी कायनात दे लोगों ना लो बेहतरीन बंदा होवे, सारी कायनात दे लोगां विचों अफजल बंदा होवे, अच्छा बंदा होवे, जेड़ा कुरान पढ़दा भी है ते कुरान पढ़ांदा भी है, सब नालो अफजल ते आला बंदा होवे, जेड़ा कुरान पढ़दा भी है ते कुरान पढ़ांदा भी है। आओ मेरे वीर, मैं दसना चाहना मेरे तेरे पाक पैगंबर लई सलातो व सलाम दी हदीस। आ मैं तेनू सुनावा, कुरान दा इलम, कुरान दा इलम है। ओए मेरे भाई, कुरान पढ़िया करना, कुरान दा पढ़ना सवाब है, तर्जमे नाल पढ़ेगा अल्लाह तेरे वास्ते हदायत दियां रावां खोल देगा। मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जेड़ा बंदा कुरान दी तालीम हासिल करने वास्ते, इलम सीखने वास्ते ना ए घरों निकलता सफर ते रवाना हुंदा, कुरान दा इलम हासिल करने वास्ते, इलम सीखन वास्ते निकलदा, ये सफर करदा दुनिया दा, अल्लाह एदे वास्ते जन्नत दे रस्ते आसान करदा जांदा। ओए जन्नत दा रस्ता आसान हो जांदा
जेड़ा बंदा कुरान कुरान पढ़दा है कुरान सीखन वास्ते जांदा है ओ मेरे भाई कुरान नाल मोहब्बत पा ले कुरान नाल प्यार पा ले कुरान नाल अपना दिल लगा ले कुरान दे नाल अपनी यारियां ला ले अल्लाह दा कुरान पढ़िया कर अपने बच्चियां नू तालीम दिलाया कर आप भी कुरान दियां तिलावतां करिया करना ऐ मोमनो सुनो ये हकीकत कुरान की ऐ मोमनो सुनो ये हकीकत कुरान की जन्नत में लेके जाएगी तिलावत कुरान की ऐ मोमनो सुनो ये हकीकत कुरान की जन्नत में लेके जाएगी तिलावत कुरान की कुरान की तिलावत सुबह होते ही करो कुरान की तिलावत सुबह होते ही करो फिर देख अपने काम में बरकत कुरान की फिर देख अपने काम में बरकत कुरान की ओए आज दुकान खोलदा मुसलमान दुकान खोलदा इंडिया दे गाने ला लेंदा होर ना लब्बे ते कवाली ला लैंदा ओए टुरु टुरु लेरी करी जांदा ओए गाने बजाने बंद कर दे असल गुनहगार दा ए सबक याद कर ले जे चांदा तेरी दुकान दे अंदर बरकत पै जाए जे चांदा तेरे कारोबार दे अंदर बरकत पै जाए ओ वीरा चांदा है कि मेरी फैक्ट्री दे अंदर बरकत पै जाए चांदा है कि मेरे घर दे अंदर बरकत पै जाए फिर इंडिया दे गाने ना लाया कर फिर कवालियां ना लाया कर बल्कि रब दे कुरान दियां तिलावतां लाया कर रब दा कुरान आप भी खोल के पढ़िया करना कुरान बरकत वाली किताब है मैं इसलिए ते ऐ जनाब पैगाम दे रहा ऐ मोमनो सुनो ये हकीकत कुरान की जन्नत में लेके जाएगी तिलावत कुरान की तिलावत सुबह होते ही करो फिर देख अपने काम में बरकत कुरान की ऐ मोमनो सुनो ये हकीकत कुरान की आ मेरे भाई कुरान कुरान पढ़िया करना जेड़े बंदे कुरान सीखन वास्ते मस्जिद अंदर जांदे ने मदरसे दे अंदर जांदे ने सिर्फ नीयत है वे के कुरान पढ़ना कुरान याद करना कुरान सीखना ओदे उत्ते अल्लाह पाक चार इनामात करदा चार इनाम हुंदे ने जेड़ा बच्चा कुरान पढ़न वास्ते मस्जिद जांदा मदरसे जांदा हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस रवैत रावी ने मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा करो निकलदा मैं मस्जिद अंदर जावांगा जाके कुरान सीखांगा कुरान दी तालीम हासिल करांगा कुरान नु याद करांगा कुरान कुरान दियां तिलावतां करांगा ना मेरे पाक पैगंबर लई सलाम ले फरमाया पहला अल्लाह ओदे उत्ते इनाम करदा नेमत करदा पहली नेमत अल्लाह करदा के ओदे उत्ते सकीनत तारी कर दिंदा इनू सुकून मिल जांदा सकीनत मिल जांदी है दूसरा इनाम अल्लाह करदा एदे ते अपनी रहमत दा नुज़ूल करदा अल्लाह दियां रहमतां इनू टांप लैंदियां ने और तीसरा इनू फरिश्ते जेड़े ने ना आ तीसरी नेमत कुरान सीखण वाले कुरान दा इल्म हासिल करने वाले कुरान दी नाल मुहब्बत पाण वाले कुरान दा इल्म हासिल करने वाले मेरे आका फरमांदे ने जिते कुरान पढ़िया जा रहा होए कुरान पढ़ाया जा रहा होए ना इंज आसमान दे नूरानी फरिश्ते ना इनू अपने घेरे अंदर लै लैंदे ने अपने
अपने घेरे अंदर ले लेंदे ने। आ तीसरी नेमत, तीसरा इनाम हो गया। चौथा मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयद नाबी हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो इस रवैद रावी ने फरमांदे ने, अल्लाह चौथी नेमत कर द, चौथा इस बंदे ते इनाम कर द, अल्लाह एदा जिक्र अपने सब तो मुकर्रब फरिश्तिया दे अंदर कर द। कोई थोड़ा जहा मुकाम है कुरान याद करने वाले दा? एक कुरान जमीन ते बह के याद कर रहे है, तालीम हासिल कर रहे है ना। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह आसमान ते अर्श ते बह के ना अपने मुकर्रब फरिश्तियां दे अंदर एदा जिक्र पेहा करदा। आइए लोगो, मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक होर फरमान तेरे सामने रखना चाहना। हजरत सफवान बिन असाल रसी अल्लाह ताला नु फरमांदे ने, मैं नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दीना खिदमत दे अंदर हाजिर होया। आप मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमाने, आपने एक सुरख रंग दे तकिए दे नाल टेक लगाई हुई ते आप बैठे ने। मैं आके अर्ज की, सोने नबिया मैं तुहाडे कोलो ना कुरान दा इलम हासिल करने वास्ते आया। ए मेरे महबूब जी, मैं कुरान दा इलम सीखन वास्ते आया। मेरे आका फरमांदे ने, मरहबा मरहबा ये भी तालिब इल्मी। मेरे आका फरमांदे ने, कुरान दिया तालबे इल्मा मरहबा खुश आमदीद अल्लाह हो अल्लाह। मेरे आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा तालबे इलम कुरान दा अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह दे आसमानी फरिश्ते इनू घेर लेंदे ने ना। फिर एदे उपर ना एक फरिश्ते दे उपर दूसरा, दूसरे ते तीसरा, चौथा, इंज घेरा पाए हुए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने, ओए फरिश्ते इस कलाम दी वजह तो, इस कुरान दी मुहब्बत दी वजह तो ना इस तरह घेरा पांदे ने कि एक दे उते दूसरा फरिश्ता और कतार बनांदे बनांदे आसमाने दुनिया तक पहुंच जांदे ने। यह है फरिश्तियां दी मुहब्बत, जेड़ा कुरान दा इलम हासिल करदा, कुरान नु याद करदा, कुरान दियां तिलावतां करदा। ओ वीर कुरान दियां तिलावतां करिया कर, ओ वीर जी मैं पैगाम दे रहा, कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़िया करना। कुरान सीखन जाए ते इन्नियां रब दियां रहमतां हो जांदियां ने। आइए मैं एक होर फिर हदीस सुनाना चाहना। हजरत अबू इमामा, हजरत अबू इमामा बहली रजी अल्लाह ताला नौला मेरे तेरे पाक पैगंबर लई सलातो वसलाम कोल रवायत कर रहे। फरमांदे ने, नबी पाक लई सलातो वसलाम ने फरमाया, ओए जेड़ा बंदा सिर्फ इस वास्ते मस्जिद अंदर जांदा कि मैं जाके कुरान सिखांगा, कुरान दियां तिलावत सिखांगा, कुरान दी तर्जमे नू सिखांगा, कुरान वीर तर्जमे नाल पढ़न दी कोशिश करिया करना। मुद्दत हो गई कुरान पढ़दे आं, लेकिन कदे कुरान दे तर्जमे वल गौर कीता हुंदा। अल्लाह तैनू हदायत दे दिंदा, अल्लाह तैनू जन्नत दे रस्ते दिखा दिंदा। और लोगो जी हदायत चाहीदी है फिर कुरान कुरान दियां तिलावतां करिया कर, कुरान तर्जमे नाल पढ़िया करना। मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया, और जेड़ा बंदा सिर्फ इस वजह तो नीयत करके मस्जिद दे अंदर जांदा, मैं कुरान दी तालीम हासिल करांगा, मैं कुरान नू पढ़ांगा, जाके कुरान दा इलम हासिल करांगा, मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस बंदे नू एक मुकम्मल हज दा सवाब अता कर दिंदा।
अल्लाह अल्लाह मुकम्मल हज का सवाब। और किया कि दो जहाना दे सरदार नबी आमीना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उनु एक मुकम्मल हज दा सवाब अता कर दिंदे ने। आओ ना लोगो कुरान कुरान पढ़िया करो ना, कुरान अपने सीनिया दे अंदर बिठा लो ना, कुरान नाल मुहब्बत पा लो ना। जेड़ा बंदा कुरान नल प्यार कर दा, कुरान नल मुहब्बत पा लैंदा, अल्लाह दियां रहमतां दा वी नुज़ूल हुंदा, रब दे वल्लों बरकतां भी पै जांदियां ने। मैं इसलिए कहना चाहना अल्लाह दे कुरान कुरान नाल प्यार कर, अल्लाह दे कुरान कुरान नाल प्यार कर। मैशर दे दिन कम जिस आना अल्लाह दे कुरान कुरान नाल प्यार, मैशर दे दिन कम जिस आना तीनू जन्नत विच ले जाना, है कामले ईमान है कामले ईमान है कामले ईमान। कुरान नल प्यार अल्लाह दा कुरान कुरान नल प्यार, जिसने है लाई इस नाल यारी, जिसने लाई इस नाल यारी, बोलिया जासी हाफ़िज़े कुरान, बोलिया जासी हाफ़िज़े ते कारी, उच्चाओ सी नामे नामी, उच्चाओ सी नामे नामी, दुनिया कर सी यार सलाम, मिल सी ऐसी शाल कुरान नल प्यार। अल्लाह दे कुरान नल प्यार कर, अल्लाह दे कुरान नल प्यार कर। आइए लोग मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और जेड़े बंदे अपनी औलाद नू कुरान याद कराउंदे ने, जेड़े बंदे अपने बच्चियां नू कुरान दा हाफिज कुरान दा कारी कुरान दी तालीम दिलांदे ने, इन्हां दी शान इन्हां दा मुकाम कितना होएगा। मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कयामत वाले दिन ना हाफिज़े कुरान दे वालिद हाफिज़े कुरान दे वालिदैन नू बुलाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तियो ले आओ कीमती लिबास, अल्लाह अल्लाह ओए दुनिया दा कीमती लिबास जेड़ा कोई पांच दस वी ती पंजा हजार दा होएगा, पर मैं कुर्बान जावा जेड़ा अल्लाह ने एव कुरान दे हाफिज कुरान दे कारी ने एव वालद नू जेड़ा इनाम करने, जेड़ा अल्लाह ने इदे उते इनाम फजल करने। आओ सुनो ना कुरान दे हाफिज कुरान दे कारी बनान वाले माँ बाप अल्लाह कयामत वाले दिन फरमाएगा और मेरे फरिश्ते ले आओ कीमती लिबास, इदी कीमत की होएगी। महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पूरी दुनिया ते दुनिया दे अंदर जो कुछ आवे खजाने ने जो कुछ भी आवे ना, आमीना दे लाल अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया सारी दुनिया ते दुनिया दे खजाने ये सारे मिल के भी ना इस जन्नत दे हाफ़िज़े कुरान दे वालिद वालिदैन नू जिहड़े लिबास अल्लाह पहना रहे है इन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया
और दुनिया के अंदर जितने खजाने ने ये सारे मिल जान, सब कुछ मिल जाए, लेकिन उस लिबास का मुकाबला नहीं कर सकते। एक लिबास नहीं, हदीस अंदर आउंदा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान नु याद कराने वाले, कुरान नु पढ़ान वाले, ए वाले दैन नु अल्लाह दो लिबास पहनाएगा और दोनों बड़े कीमती लिबास होंगे, बड़े आली शान लिबास होने। और जेड़ा हाफ़िज़े कुरान बनेगा, जिन्हू अल्लाह दी तरफ इनाम मिलेगा ना, हाफ़िज़े कुरान बन गया, कुरान याद करने वाला। और मेरे भाई मेरे दोस्त, गौर करना कि क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह इस बंदे नू इस हाफ़िज़े कुरान दे सिर से ताज पहनाएगा, एदी ताज पोशी की जाएगी। अज वेखो ना किसे मदरसे दे अंदर इख्तिताम कुरान मजीद दे मौके ते हाफ़िज़ साहब नू सूट दिता जांदा, हाफ़िज़ साहब दी खिदमत कीती जांदी है। मैं कुर्बान जावां, और लोगों जिन्ने दुनिया ते कुरान याद कीता, जिन्ने दुनिया ते कुरान नू अपने सीने अंदर बिठा लिया, अपने सीने दी अंदर इनू महफूज कर लिया। नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने, अल्लाह एदे सिर ते ताज पहनाएगा, ताज तो बाद अल्लाह ना एक हाथ दी अंदर ना इनू जन्नत दा बादशाह दा परवाना पकड़ाया जाएगा, एक हाथ दी अंदर ना इनू हमेशगी दा परवाना पकड़ा दिता जाएगा। और मेरे भाई इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह दे नबी ने फरमाया, अल्लाह हाफ़िज़े कुरान कारिये कुरान नु कहेगा, ओ मेरे कारिये कुरान, ओ मेरे हाफ़िज़े कुरान, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, कुरान दिया तिलावता शुरू कर दे, पढ़ी जा पढ़ी जा, जिथे कुरान दी आखरी आयत खत्म होएगी, ओ जन्नत दी अंदर तेरा मुकाम तेरा मर्तबा होएगा। ओए अपने बच्चिया नू कुरान दी तालीम दिलाओ, इन्हां नू कुरान वल लैके आओ। अज जरूरत है वे, जिथे अंग्रेज कुरान दियां बेहुरमतियां कर रहे ने, कुरान नू जला रहे ने ना, ये साडी जिम्मेदारी बनती है, हकूमत दी जिम्मेदारी अपनी जगह ते, साडी जिम्मेदारी बनती है, असी अपनी अपनी जगह ते, अपना अपना एहतजाज अपनी जगह ते, लेकिन इस बात का तहैया करिए, कुरान आप भी पढ़ांगे, कुरान आप भी याद करांगे, कुरान दियां तिलावतां भी करांगे, अपने बच्चियां नू भी कुरान दी तालीम दिलावांगे, अपने बच्चियां नू भी आप से कुरान बनावांगे। आओ मेरे भाई मेरे दोस्त ना, मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उतरन वाला रब दा कुरान है, इस कुरान दे बारे ऐलान फरमारे आई, आ सुनना रब दा कुरान की कह रहे है, वनु नज़िलु मिनल कुरानी माहु वशिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए अल्लाह दा कुरान जिहड़ा ए शिफा भी है, मोमना वास्ते रहमत भी है वे, कुरान शिफा भी है वे, ओए कुरान बरकत भी है, कुरान रहमत भी है वे, कुरान हदायत भी है वे। जिहड़ी अल्लाह दे कुरान दी आयत पढ़ी है ना, इस 12-15 सूरा बनी इसराइल, अल्लाह दा कुरान कहिंदा के कुरान जिहड़ा
जेड़ा ए शिफा भी है वे। आइए लोगो शिफा के वे मैं दसना चाहना कुरान कुरान शिफा भी है वे। अगर मैं हर सूरत दी बात करा ते बात लंबी हो जाएगी, अगर मैं हर ऐत दी तफसीर करा बात लंबी हो जाएगी। मैं सूरह ए जिड़ी पहली सूरत ते कुराने पाक अंदर है, कुरान खोलिए ते सूरत आउंदी है। मैं इस सूरत दे मुतल्लक ही दसना चाहना, इनू सूरह फातिहा किया जांदा। आगाज आगाज ही सूरह फातिहा तो कुरान दा हो रहा ना। ये कोई सूरत आम सूरत नहीं जै, और परवाने हो जरा गौर फरमाया जै। कुरान नाल मुहब्बत करने वाले हो, कुरान नाल प्यार करने वाले हो। अल्लाह दा कुरान कह रहे हैं वानु नज़िलु मिनल कुरानी माहुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान शिफा है वे ना। आइए जरा गौर फरमाइए, मैं बुखारी मुस्लिम दी एक हदीस सुनाना चाहना ते दसना चाहना कुरान शिफा है, कुरान शिफा है वे। आइए जरा गौर फरमाया जाए, बुखारी मुस्लिम दी अंदर भी मौजूद है, सुन्ने अरबा दी अंदर भी हदीस मौजूद है वे। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला नो बयान कर देने, परवाने हो इधर तक आ जनाब। मेरे पाक पैगंबर दा परवाना हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला नो बयान कर देने, असी सफर तो छा रहना, रात दा टाइम हो गया, असी जंगल क्रॉस कीते, एक बस्ती आ गई है। गल मुख्तसर करदा जा रहे हैं, बस्ती आई है ते बस्ती वाले नु कहया, ओए बस्ती वालियो सानू खान वास्ते कुछ दे, रहन वास्ते जगह दियो, असी मुसाफर आए हां। ये आंदे ने साडे अंदर ते रवाज नहीं है वे, इन्हां ने रहन वास्ते भी जगह नहीं दिती, खान वास्ते भी कोई शै नहीं दिती। ऐ मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा ना वापस आके एक जगह ते पड़ाओ पा लिया बस्ती तो बाहर ना। ऐ जनाब मेरे आका दे परवाने आंदे ने रात दे किसे टाइम इस पिंड दे इस बस्ती दे ना बड़े सरदार नू ना किसे मूसी चीज ने डस ले है, ए मूसी शै ने डस ले है ना। ए हुण जनाब बस्ती वाले अपने अपने तौर ते इलाज मुआलजा करता आखर थाकार जांदे ने, आंदे ने ओए इंज करो ना, ए जेड़े आए सन ना मुसाफर आए सन, इन्ना वल कोई बंदा जाए जाके इन्ना कोलो पुछे कोई इन्ना कोलो इलाज होए। साडे सरदार साहब नो साडे चौधरी साहब नो शफा मिल जाए ना, इन्ना विचो एक जांदा जाके आंदा, ए जनाब साडे सरदार नो किसे मूजी चीज ने डस लिया ते बड़ी आल दवाई पा रहे, तकलीफ बड़ी है वे, ओ तुहाडे कोल कोई इलाज है वे। इन्हां विचों एक आंदा हाँ इलाज है वे, ते आओ फिर साडे सरदार दा इलाज करो। आंदा हुण इलाज मुफ्त नहीं होएगा, इलाज दी कीमत तय होएगी। अल्लाह अल्लाह आखर जनाब तय हो गईयां, कोई 30 बकरियां तय हो जांदियां ने। सरदार कोल पहुंचे जाके ना सहाबी रसूल ने कोई होर शै नहीं पढ़ी, सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ी जा रहे है, और जिन्हों उम्मुल किताब के आ गया जिदे बारे अल्लाह दे नबी ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यकराऊ बिफातिया तिल किताब है। ओए इस सूरत तो बगैर कोई नमाज ही नहीं होंदे, फजर दी नमाज होए, जोहर होए, असर होए, मगरब होए, इशा होए, ओए मशरक मगरब दी अंदर रहने वाले मुसलमान अल्लाह जलाल दी कसम सुन लो ना, कोई ऐसी नमाज नहीं होंदी। ओ नमाज जनाजा होए, ओ नमाज कोई भी होए, ईदैन दी नमाज होए, जब तक सूरह फातिहा नहीं
नहीं पड़ेगा, इदी नमाज नहीं होएगी, गल दूर ना चली जाए ना। सहाबी रसूल ने ला सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर देती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ऐ सूरत पढ़ी जा रहे है, फूके मारी जा रहे है, ऐ जिवें जिवें फूका वजदा जा रहे है, इनू सरदार नू शफावां मिलन लग गईयां। ओए हत्ता के ऐ सूरह फातिहा पढ़ी जा रहे है, ऐ जनाब सरदार ठीक होया, ती बकरियां लईयां ते वापस आ गया। और दसना ये चालना परवाने हो, कुरान शिफा है वे, कुरान शिफा है वे, कदे आजमा ले इस फकीर दी गल, तेरे सिर अंदर दर्द होए ना, पैरासीटा मोल ना लई, पैना डोल ना लई, डिस्परीन ना खाई ना। अल्लाह दी कसमे तू सूरह फातिहा पढ़दा रही ना, इस यकीन कामल दे नाल पढ़ी ना कि अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया, वनुनज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ वलिल्म व रहमतुल लिल मुमिनीन। तू इस यकीन दे नाल सूरह फातिहा पढ़दा रह, दम करदा रह, अल्लाह तेरा सर जिहड़ा ठीक कर देवेगा। होर बीमारियां भी होंदियां ने, और जल्दी नाल डॉक्टरां वल भज जाना, पैसा भी खराब करना, और पीरा फकीरां वल टुर जाना, और जी मेरे आदर दो गई है तवीज दे दियो, आ जनाब तवीज दे दियो। और इस गुनहगार बंदे दा पैगाम नोट कर ले, तेरे सर अंदर दर्द होए, तेनू बुखार होए, तेनू कोई भी मरज होए, मत जाके तवीज ले, पहले सब तो पहले सूरह फातिहा दा दम करना, अल्लाह शिफा शिफा अता कर देगा। और सूरह फातिहा सिर्फ इस मरज वास्ते नहीं जे, मैं ते हदीस अंदर एक होर भी वाकिया पढ़े है, हजरत खारजा बिन सलत रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान कर देने, अपने चचा दे कोलो बयान कर देने, ए वाकिया सुनन अबू दाऊद दे अंदर भी मौजूद है, मुसनद अहमद दे अंदर भी मौजूद है। अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम दा सहाबी आंदा, मैं अपने चचा दे कोलो सुनिया, मेरे चचा आंदे ने असी दौरान सफर जा रहे साना, एक रस्ते तो गुजर होया, कुछ बंदे ना एक बंदे नू रस्सियां दे अंदर जकड़िया होया, रस्सियां दे नाल बनिया होया लेके आ रहे ने, आंदे ने ओए तुसी नबी पाक दे कोलो आ रहे हो ना, तुसी नबी पाक दे कोलो आ रहे हो, एस साडे बंदे नू दम करो ना, ए बंदा चीड़ा पागल भी है, मजनून भी हो गया, इनू जनाब दम करो ना। मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी हजरत खारजा बिन सलत रजी अल्लाह ताला नू बयान कर देने, आंदे ने मेरे चाचा ने आखिया असी इनू दम करने आ, इनू सूरह फातिहा दा ना दम करना शुरू कर दिता। सूरह फातिहा पढ़ी जा रहे हैं, इहदे ते फूके मारी जा रहे हैं, तीन दिन दम कीता, ए पागल बंदा मजनून बंदा, अल्लाह ने इस बंदे नू हशाश बशाश कर दिता, सेहता शफावां ता कर दितियां। फिर रब दा कुरान सच्चा ही है ना, वनुनज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन।
और मैं आखर ते गुजारिश करांगा और वीरो रिजक दे वास्ते परेशान फिर दे घर बह के कुरान दियां तिलावत करो घर दे अंदर कोई मरीज है वे आप जुमा पढ़ के जाना अल्लाह दा नबी दा फरमान सुनिया जेना रब दा कुरान सुनिया जेना यकीनन जाके अपने मरीज नु दम करना के मैं अल्लाह दा कुरान सुन के आया मैं सोने नबी दा फरमान सुन के आया तू इनू जाके दम करेगा इनू शिफावां रब वल्लो अता हो जानगियां ना इधर उधर जाया कर एवें अकीदा खराब ना करिया करना ओ मेरे वीर कुरान नल यारी लाओ कुरान नल मुहब्बत पा लो मैं आखर इस बात नू फिर रखना चाहना ये कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह किताब है ये कुरान ला रैब किताब है ये कुरान हुदल्लिल मुत्तकीन किताब है और लोगो कुरान कुरान बड़ी आला किताब है वे आप भी इसकी तिलावत करो अपने बच्चियां नू भी कुरान दी तालीम दिलाओ ना जरूरत है वे बेशक दुनिया दियां तालीमां दिला लेकिन कुरान दी तालीम भी लाजमी दिलाना कुरान दा इनू हाफिज बना कुरान दा इसनू कारी बना और इस मुल्क दे अंदर अल्लाह जलाल दी कसम उठा के कहना उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती उस वक्त तक इस मुल्क दी हालत नहीं बदली जा सकती और लोगों जब तक इस मुल्क दे अंदर कुरान और सुन्नत दा इस मुल्क दे अंदर कानून नहीं बन जाएगा कुरान दा दस्तूर नहीं नाफज हो जाएगा उस वक्त तक तब्दीली नामुमकिन है वे बेशक जो भी नारे लगांदे रहन सब एक ही कैटागरी दे लोग ने लेकिन जिन्हां नू असीं ओ च नुमाइंदे चुनने आ और जिन्हां नू कुरान वेख के पढ़ना नहीं आउंदा जिन्हां नू सूरत अखलास तक नहीं आउंदी जिन्हां नू कलमा पढ़ना नहीं आउंदा असीं ओ अपने नुमाइंदे बना करके असेंबली दे अंदर भेजने आ आओ लोगो मेरे कायद अलामा इब्तिसाम दा पैगाम है वे इस जानदा इस मुल्क दी हालत बदलेगी इस मुल्क दे अंदर तब्दीली आएगी अल्लाह दे कुरान दे नाल आएगी मुहम्मद रसूलुल्लाह दे फरमान नाल आएगी आइए लोगों कुरान नाल मोहब्बत पाओ कुरान नाल प्यार कर लो कुरान रहमत है कुरान बरकत है कुरान शिफा है वे अज दे जुमे दा में ही खुलासा बयान कर देता है आओ लोगो कुरान नाल प्यार कर लो कुरान नाल मोहब्बत पा लो आइए लोगो मैं आखर ते अपनी बात इन्हां लफ्ज़ां ते समेट दा असी पढ़ते रहिए एक दुआ कर चले असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह असी पढ़ते रहिए कुरान अल्लाह साड़ी पढ़ दे निकले जान अल्लाह असी पढ़ दे रहिए और शुगर मिल वाले हो सर्वर कलोनी दे रहन वाले हो और मेरे भाईयो गौर फरमाया जाए और असी पढ़ दे रहिए दुआ करिया कर असी पढ़ दे रहिए कुरान अल्लाह साड़ी पढ़ दे निकले जान अल्लाह अल्लाह साडे कुल गुना तू मुआफ करी साडे दफ्तर मौला साफ करीम असी बंदे पुलन असी बंदे पुलन हारा पर आखर कार इंसान अल्लाह साड़ी पढ़दे निकले साड़ी पढ़दे निकले जान अल्लाह असी पढ़दे रहिए कुरान अल्लाह अल्लाह बस एहो ख्वाहिश है मेरी ए अल्लाह बस एहो ख्वाहिश है मेरी ए रोशन हो जाए कबर दी टेरी ए अल्लाह सानू आस हुन बस तेरी ए हो जाए जन्नत
वल परवान अल्लाह असी पढ़ दे रहिए असी पढ़ दे रहिए कुरान अल्लाह साड़ी पढ़ दे निकले जान अल्लाह अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू कुरान दे नाल सच्ची मुहब्बत अता फरमाए अल्लाह सानू भी साड़ियां औलादा नू भी कुरान दा हाफिज कुरान दा कारी बनाए यकीनन वालिदैन खुश नसीब ने जिन्होंने अपने बच्चियां नू दीन वास्ते वकफ कीता है अपने बच्चियां नू कुरान वास्ते वकफ कीता है कुरान दी तालीम वास्ते वकफ कीता है यकीनन वालिदैन खुशकिस्मत ने मैं उन वालिदैन नू भी कहांगा तुसी मुबारकबाद दे मुस्तहिक हो कई लोग अपने बच्चियां नू डॉक्टर बनाने की फिक्र करते ने कई अपने बच्चियां नू इंजीनियर बनाने की फिक्र करते ने कई जनाब अपने बच्चियां नू डॉक्टर बनाने की फिक्र अंदर रहिंदे ने और मैं सदके जावा तुहाडे तो तुसा ने फिक्र कीती है ते रब दे कुरान दी कीती है अपने रब दे कुरान दे हाफिज बनान वास्ते कुरान दे आलम बनान वास्ते अपनी औलादा नू वकफ कीता अल्लाह ए सारिया मेहनत तेरे वास्ते ने अरशा वालिया तू पूरी फरमा दे वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।